सोशल मीडिया पर अक्सर ये बातें उठती रहती हैं कि नेताओं के लिए भी परीक्षा होनी चाहिए, जिससे पढ़ लिख कर लोग राजनीति में आए। लगता है कांग्रेस ने जनता की ये बात मान ली, तभी तो अपने नेताओं के लिए कांग्रेस ने राजधानी लखनऊ में एक परीक्षा आयोजित की, जहां यूपी कांग्रेस ने गुरुवार को पार्टी प्रवक्ताओं के लिए लखनऊ में परीक्षा कराई, जिसमें उनसे छोटे बड़े कई सवाल पूछे गए। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में चली डेढ़ घंटे की परीक्षा के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी और राष्ट्रीय संयोजक रोहन गुप्ता ने इंटरव्यू भी लिया। चूंकि ये परीक्षा यूपी कांग्रेस के लिए थी, लिहाजा योगी सरकार की असफलताओं पर भी सवाल पूछे गए थे। हालांकि 14 सवालों के लिए ली गई इस परीक्षा में कई नेता नकल मारते देखे गए। कांग्रेस नेताओं से जो सवाल पूछे गए, उनमें यूपी में कितने मंडल, जिले और ब्लॉक हैं, यूपी में लोकसभा की कितनी आरक्षित सीटें हैं, 2004 और 2009 में कांग्रेस कितनी सीटों पर जीती थी, लोकसभा 2014 और 2017 विधानसभा में कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिले, यूपी में कितनी लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं, यूपी में एक लोकसभा सीट में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं, किन लोकसभा सीटों पर मानक से कम या ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, प्रवक्ता का काम क्या होता है, आप प्रवक्ता क्यों बनना चाहते हैं, मोदी सरकार की असफलता के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, योगी सरकार की असफलता के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, मनमोहन सिंह सरकार की उपलब्धियां क्या क्या थी, आज समाचार पत्रों में तीन प्रमुख खबरें क्या है जिन पर कांग्रेस प्रवक्ता बयान जारी कर सके। इस परीक्षा में खाटी कांग्रेसी से लेकर युवा कांग्रेस नेताओं तक को शामिल होना पड़ा, जिनमें राजीव गांधी के साथ काम कर चुके वीरेंद्र मदान जैसे नेता शामिल थे। हिलाल नकवी, द्विजेंद्र त्रिपाठी, अमरनाथ अग्रवाल जैसे नेता भी इस परीक्षा में शामिल रहे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।